पब्लिक स्कूल के सभी स्टूडेंट्स, टीचर एंड पब्लिक स्कूल तथा आनंद एजुकेशनल अकेडमी के एनजी बंसल साहब, यहाँ उपस्थित मेरे मित्र विवेकानंद, सभी अतिथि। विवेकानंद के बाद बोलने से एक फ़ायदा होता है कि वो सब बोल लिया होता है तो मुझे कम बोलना पड़ता है। वैसे ही बच्चे नाच गाने के भेष में इंतज़ार कर रहे हैं अपना परफॉर्मेंस के लिए, पेरेंट्स उनका परफॉर्मेंस देखने के लिए वेट कर रहे हैं, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगी। मैं बधाई दूँगी चंदा मैडम एवं उनकी टीम को, इतना अच्छा परफॉर्मेंस आज यहाँ ऑर्गेनाइज किए, साथ साथ बच्चों के लिए जो सोच उन्होंने रखा है और जो प्लानिंग की है उसके लिए बहुत बहुत बधाई। कुछ पेरेंट्स ने भी उन्होंने अपना एक्सपीरियंस यहाँ शेयर किया, वे इस एकेडमी के अटेंशन जो बच्चों को मिलता है उससे बहुत खुश हैं। मैं बस पेरेंट्स को ये अनुरोध करना चाहूँगी, सिर्फ नंबर रखना, रैंक्स रखना या प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना आपके बच्चे का गोल नहीं होना चाहिए, ना ही आपका गोल होना चाहिए। आप उसके साथ साथ एक अच्छे इंसान बनाइए। ये एकेडमी पढ़ाई केमिस्ट्री फिजिक्स ज़रूर करा देगी, साथ साथ बच्चों को बोलना लिखना पढ़ना खेलना सब सिखा देगी, लेकिन अच्छे इंसान बनाने के लिए जो मेहनत है वो पेरेंट्स को ही करना पड़ेगा। मैं हमेशा अपने बच्चे के बारे में जब सोचती हूँ तो सोचती हूँ चाहे बहुत बड़ा कुछ ना बने लेकिन अच्छा इंसान बने। आप बच्चों को ज़रूर छोटी छोटी ज़िंदगी के जो मायने हैं वो सिखाएं, सच और सही का साथ देने के लिए सिखाएं, बिना डरे निडर होके सच का सामने करने का सिखाएं, बड़ों को सम्मान देना सिखाएं, विनम्र होना सिखाएं। मेरे एक टीचर मुझे कहते थे, उन्होंने संस्कृत पढ़ाते वक्त हमें ये समझाया था, जैसे फलदार वृक्ष जब ज़्यादा फल आ जाते हैं वृक्ष झुक जाता है, वैसे आप में जब ज़्यादा ज्ञान हो या आप में अगर कोई बड़ी पद आपने पा ली हो तो ज़्यादा विनम्र हो जाइए। बच्चों को ये भी ज़रूर सिखाइए। साथ ही कुछ पेरेंट्स अपना जो लाइफ का सपना है वो बच्चों के थ्रू जीने की कोशिश करते हैं, अगर स्वयं डॉक्टर बनना चाहते हो और नहीं बन पाए तो बच्चों को ज़बरदस्ती डॉक्टर बनाने की कोशिश करते हैं, प्लीज़ ये ना करें। बच्चे को सपना दिखाने का आपको हक ज़रूर है, लेकिन अगर बच्चे का कोई सपना है तो उसका साथ दीजिए, उसके सपने को संवारने का काम करिए। लेट योर चाइल्ड ड्रीम एंड बी ए मेंटर टू योर चाइल्ड इन रियलाइजिंग दैट ड्रीम। आज के दौर में आप लोग एवं आपके बच्चे, हम लोग सभी को ही बहुत चैलेंजेस का सामना करते हैं। हम जो पढ़ाई करते थे सिर्फ हमारा स्कूल, हमारा शहर या हमारे स्टेट में हमारी कंपटीशन होती थी, अभी आपका पूरी दुनिया के साथ कंपटीशन होता है। आप एक वर्चुअल वर्ल्ड में जीते हैं, आप घर में भी बैठ के अपने इंटरनेट के माध्यम से पूरे दुनिया का कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लिखते हैं। सो इन कॉम्पिटिशन में आगे जाने के लिए टीचर्स, पेरेंट्स, बच्चों को नया स्किल्स ज़रूर सिखाइए। एनकरेज योर चाइल्ड टू रीड अ लॉट, टू नो अबाउट द वर्ल्ड एंड टू थिंक अबाउट द वर्ल्ड। मैं इतना ही बस कहूँगी, आप सभी को पुनः आज के एनुअल डे के लिए बहुत बहुत